इस वाले मैच में बेसिकली भाई इतने ग्लिच हुए थे मेरे साथ, इतने ग्लिच हुए थे कि मैं खुद ही काउंट करना भूल गया। पहला ग्लिच ना यहीं पर हमारे जो अभी जगह है बेसिकली, इसका मैं नाम मेरे को पता तो नहीं है, अभी अभी नया मैप में मतलब न्यू जगह को खोजने के लिए मैं यहाँ पर उतरा था। ठीक 1v4 खेल रहा था सोलो स्क्वाड, तो यहाँ पर उतर गया। मैं अभी भी चेक किया ठीक ऊपर की तरफ कि ऊपर की तरफ कोई बंदा आ रहा है तो नहीं, सिर्फ एक ही दिखा। मैं क्या किया कि जल्दी अपने जेट पैक चालू किया, अपने AKM उठाई और यहाँ पर ग्रेनेडर जो न्यू गन है, न्यू तो वो नहीं बोलूँगा पुरानी ही है लेकिन अभी उसकी एबिलिटी थोड़ी अच्छी है, उसको उठाया और उसको फायर करना चालू किया। स्टार्टिंग के एक भी बुलेट नहीं लगी, AKM चला रहा था, फिर क्या किया मैं तुरंत अपने दूसरी गन निकाला उससे मारा ठीक। और यहाँ पर ये देखो पहला ग्लिच होता है मेरे साथ, यहाँ पे मैं सीधा दीवार के आर पार उसको नॉक कर देता हूँ, मेरे को नहीं पता चला कि भाई कैसे नॉक हुआ। और नॉक होने के बाद अजीब टाइप का उसको मैं पूरे एरिया में खोजा, वो अचानक से गायब ठीक, कि उसके साथ ग्लिच हुआ कि मेरे साथ ग्लिच हुआ मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर मैं क्या किया कि अगल बगल बहुत ज़्यादा फुटस्टेप आए थे तो मैं उठ के बाहर की तरफ गया और बाहर की तरफ देखा कि कितने एनिमीज हैं, फिर उनसे फाइट करने के लिए। तो जैसे जब मैं इस साइड पर आया तो देखा तो भैया एक एनिमी था, मैं अंधाधुंध फायर किया और बेसिकली यहाँ एक एनिमी था, यहाँ एक से ज़्यादा थे, तीन तीन थे और तीनों के तीनों टीम मेट्स थे, उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो आपस में ही फाइट ले रहे हैं। तो एक को मैंने विंडोज नॉक किया और दूसरे को मैं यहाँ से एंगल बनाया, एंगल नहीं बना तो गन रिलोड किया अपने ग्रेनेडर, वो उससे नीचे साइड आगे घूम के और बस इसको यहाँ पर अपना स्कोप खोला। यहाँ पर एक और को नॉक किया, अभी तक दो नॉक कर, अभी तक तीन नॉक कर दिया ठीक। यहाँ पर अपने दो किल उठाए जल्दी जल्दी, और ऊपर वाला का तो रहस्यमय था भाई, वो तो अपना ही मतलब क्या हुआ उसको कौन मिला मेरे को, मेरे मतलब पूरे मैच में देखा मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग को भी चेक किया तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई ये मरा तो मरा कैसे। तो फिर भाई मैं सिंपल भी अपने ये वाला नॉक को भी अपना जल्दी जल्दी रिलीज किया और यहाँ से थोड़ी बहुत लूट वगैरह और किया और उसके बाद सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। सो फिर आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते मेरे को मस्त वाली कार मिल गई, बेसिकली मैं भी इसको नाम तो नहीं पता है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे गेम खेलते हुए, नया नया वेला ये भी खेलना स्टार्ट किया हूँ। तो मैं बस अपनी कार को ड्राइव करते करते बस यहाँ पर आया, देखो तो यहाँ पर एक बंदा दिखा मेरे को, तो यहाँ पर मैं उतरा अपना स्कोप ऑन किया और देखा कि भाई एक फाइट किससे ले रहा है। जैसे मैं देखा तो पहले तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक बंदा है नहीं, पर यहाँ लिटरली दो दो थे और आपस में फाइट ले रहे थे। तो मैंने फिर इसको नॉक किया, फिर अपने AKM उठाई और तुरंत इस पर स्प्रे देना चालू किया, लेकिन भाई AKM के ऐसे रिकॉइल मुझे पड़ा ना तो मैं सोचा भाई इतना रिकॉल में जाऊंगा मेरे को बड़े आराम से मार देगा, लिटरली मैं सिर्फ 15 HP बचा हूँ। तो मैं क्या सोचा कि फिर पत्थर पीछे आता हूँ अपनी पूरी मेडी कर लेता हूँ, और इसके बाद भैया हमने पूरी अपनी कर ली मेडी, आसपास पास देख ले कि भैया कोई है कि नहीं है। फिर क्या मैं सोचा कि ये हल्का सा भी हटेगा ना तो यहाँ पर अपना पीक लेके मैं एंगल बना के बड़े आराम से हेड दूंगा, और ये वो ही करता है मैं से हेड ही हेड बजा देता हूँ। और यहाँ पर मतलब बड़े इजीली इसको नॉक और फिनिश दोनों, मतलब नॉक तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था करके फिनिश दे देता हूँ तुरंत। और एक चीज़ इसमें खतरनाक बात यह है कि मैं अभी खेलता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड ठीक, और अभी अभी मेरे पूरे 5 किल्स कंप्लीट हुए, मैं तो भारी खुश था अभी के टाइम में। लेकिन अभी जो मैच का सेकंड ग्लिच है ना वो अभी आपको दिखेगा, तो अलग। लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि अभी के टाइम में ना मतलब मैं यहाँ पे था ब्रिज में 2 मिनट और ब्लॉक मतलब होल्ड किया, देखा कि बगल से गाड़ी गुजर रही, तो मैं क्या सोचा अभी तो पीछे तो आ रहा है जोन ठीक, अगर जोन में अगर फंस के उससे फाइट लेना स्टार्ट किया तो जोन वैसे ही हमारा हेल्थ तो ले ही रहा है, और वो सामने से फाइट लेगा तो उससे और फंसेंगे। मैं क्या किया पहले एक पर मेडी लिया, दौड़ते तो तेज़ी से क्योंकि पीछे गाड़ी वाला आ रहा है ठीक, वो कभी भी निपटा सकता है। तो पहले तो अपना यही था कि जोन के अंदर जैसे तैसे करके पहुँचे, क्योंकि गाड़ी वाले का आवाज़ बहुत टाइम से आ रहा था ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि गाड़ी वाला कौन से डायरेक्शन से आ रहा, आवाज़ तो आ रहा था पर समझ में नहीं आता कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। तो जैसे तैसे मैंने पूरी मेडी कंप्लीट किया, फिर क्या जैसे तैसे करके भाई ये गाड़ी हमको दिखी तो हम गाड़ी में बैठ गए और भाई आगे बढ़ते गए। मेरे को ये टेंशन था कि पीछे से कार वाला ना आ जाए, क्योंकि जो गाड़ी है ना वो बहुत सारी जगह पे जाकर टर्न नहीं होती ठीक, अभी दिखाऊंगा सामने जाके टर्न नहीं होती बिल्कुल भी। तो भी क्या हुआ कि पीछे से गाड़ी वाला आ गया, मैं थोड़ा सेफ जगह आके अपनी पूरा हीलिंग कंप्लीट किया, हीलिंग करते करते मैं गाड़ी ने फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट की, और बस मैं चेक करने आया कि भाई गाड़ी से उतरा है उतर के किस साइड आया, अपने स्कोप ऑन किया और देखा तभी अचानक से
ये वहां से मतलब अचानक से कहाँ गई या फिर बॉट था कि क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि अचानक से आया, हम उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था कि भाई। और एक और चीज़ कि अगर ये अगर बॉट है ठीक, तो कार वाला कहाँ गया, और कार वाला ही ये था तो ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आया, और उसको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आया था मुझे। तो वो सब छोड़ो भाई, मतलब वो तो हो ग्लिच वगैरह रहता ही है। तो फिर मैं यहाँ को छोड़ा, पीछे जोन आ रहा है और गाड़ी मोड़ भी नहीं रही है, देखो कितना दबा रहा, मोड़ ही नहीं रही है। तो फिर मैं उसको छोड़ा, छोड़ने के बाद मैं आगे जाकर देखा तो आगे वही जो अभी रोबोट दिख रहा है वो है। और इस पूरे मैच में ना मतलब पिंग बहुत हाई, इतना हाई था कि मतलब देख लो पूरा 300+ जा रहा था। तो मैं क्या सोचा भाई, ये मैच तो अपने हाथ से गया, पूरे 6 किल्स निकाले, बड़े आराम से, खुशी में था कि 6 किल्स से हम लोग बहुत आराम से जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, पिंग हाई था तो इस मैच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, जो कि आगे जाके होता भी है। तो यहाँ पर मैं क्या क्या अपनी जो रेसिंग कार है ये वाली, उसको बैक लिया, आगे किया और बस बड़े आराम से जोन में निकल गया ठीक, क्योंकि पीछे जोन आता बहुत डैमेज करता। तो अभी भी ध्यान सुनना ना, अभी कार वाला मरा नहीं है। सो यहाँ पर भाई मैं टॉप 5 में आ गया था, लिटरली अभी एक बंदा मरने वाला, हाँ ये मरा एक, और अब मैं आ चुका था टॉप 4 में। तो अब मेरे को टेंशन क्या थी कि जो सामने जो 3 बंदे हैं ना, वो 3 शायद तक एक ही स्क्वाड के हो सकते हैं, क्योंकि मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा था। तो मेरे को टेंशन थी कि सामने का 3 एक ही स्क्वाड के निकल गए तो भाई मेरा काम तो ख़त्म, मेरा काम यहीं ख़त्म, क्योंकि वो बड़े आराम से मेरे को मार सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगाया, क्योंकि देखो सेकेंड जोन अभी बनने वाला है, तो मैं यहाँ बैठा अपनी गन का मतलब स्कोप ऑन करके बैठ गया ठीक। उतने में ही क्रैबी वाला और एक कार वाला ठीक, दोनों एकदम मेरे बगल से एकदम स्पीड में निकल जाते हैं ठीक। और मेरे को थोड़ा डाउट था क्योंकि क्रैबी वाला देखो अभी रुका है ठीक सामने में, और जो कार वाला है वो अभी जस्ट निकला है, तो शायद को अपोजिट टीम को भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा इस बार थोड़ा आइडिया लगा, मैं अपनी ये वाली जो एबिलिटीज़ को चालू किया और बैठा रहा कि कहीं पर एंगल मिले, कहीं पीक मिले तो इसको हेड दूँ। तो पहला मैं उसके शील्ड को डैमेज कर दिया ठीक, 20 मतलब 25 50 का डैमेज कर दिया था। मैं और 2 मिनट के लिए बैठा कि भाई ये थोड़ा सा पीक दे तो मैं अपना स्कोप ऑन करूं और दे दूं हेडशॉट इसको, लेकिन नहीं, वो सामने वाला भी निकलने को नहीं आया था और मेरी एबिलिटी भी अब बंद होने वाला था। तो मैं क्या किया, थोड़ा आगे गया और उसकी पीटी बना दी और उसको वापस भेज दिया मैं लॉबी में, क्योंकि टेंशन क्या था। अब देखो ये जो हुआ है ना, डायरेक्ट एक किल हुआ है ठीक, नॉक नहीं हुआ, डायरेक्ट किल हुआ है। तो इसका मतलब ये लास्ट बंदा था अपने स्क्वाड का या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेल रहा था मेरी जैसे। लेकिन नहीं भाई, अभी जो मैच के ट्विस्ट है ना, अभी लास्ट में पता चलेगा, एकदम लास्ट में जो होता है ना मेरे साथ, ओ भाई खतरनाक था। ये तो वही रहा भाई, अभी देखो मेरा पिंग हाई था तो मेरा इतना अटक अटक कर चल रहा है। सो अब ना अगेन वो कार वाला आ जाता है ठीक, मैं तो पूरा रेडी रहता हूँ कि जैसे ही जाएगा मैं विजय को डैमेज दूंगा। तो हल्का हल्का डैमेज होता है, ये वापस अपने कार को लेके आने वाला आता रहता है ठीक। मैं बैठा रहता हूँ कि वापस आए तो अपनी जो एबिलिटीज को ऑन करूँ दे दूँ, लेकिन नहीं, जो डैमेज आता सिर्फ तो कार को आता। मैं बड़े आराम से अपनी M4 को मतलब अपनी जो गन है शिप वाली गन, उसको चालू किया और मारने का बहुत ट्राई किया। एक बार मैं जंप लिया क्योंकि वो उस साइड चल गया था और रुका, लेकिन नहीं, यहाँ पे ना क्या होता है उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मेरे एक भी गोली उसको नहीं लग रहा था। उतने में उसका पार्टनर भी आ गया सामने से, तो मैं क्या किया कि भाई अब तो मेरे को समझ आ गया था कि भाई मेरा बचा तो यहाँ पर है ही नहीं ठीक। तो मैं क्या किया कि एक लास्ट ट्राई किया, स्कोपिंग किया और मार कर था, लेकिन नहीं, यहाँ पर मेरा गन हो गया था रिलोड पे, उसका पार्टनर भी सामने से आ गया था और ख़त्म भाई। यहाँ पर हमारा सोलो वर्सेस स्क्वाड ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना भाई, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे।